और एम यू का रिलेशनशिप जो है उसे हम एक टेबल से समझ सकते हैं। और ये हमारे पास टेबल है, जैसे क्वांटिटी ऑफ एक्स है, कितनी एक्स की कितनी क्वांटिटी यूज़ की हमने, 5 5। और फर्स्ट वाली से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी है, 50, और मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी 50 ही होगी क्योंकि सिग्मा एम यू टी यू कहलाती है। फिर सेकेंड है हमारी 90, और मार्जिनल यूटिलिटी 40 है। कैसे हुई है, 90 माइनस 50 हमारी कितनी हो जाएगी, 40। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, TUN माइनस TUN माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज़ किया, या फिर आप वो चेंज TU अपॉन चेंज Q भी लगा सकते हैं, कोई सा भी लगाएं। तो ये जो ऊपर की टेबल हमें दिखाई दे रही है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव शेड्यूल दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। फर्स्ट वाला हमारा ये है कि इस शेड्यूल से हमें ये पता चल रहा है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ डिमिनिशिंग रेट तो है ही नहीं, 50 है, 90 है, 120 है, 140 है, 150 है। डिमिनिशिंग का मतलब आप एम यू की तरफ देखें तो 50 था, 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, मतलब घटती हुई है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है तो दूसरी तरफ टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहती है। फिर सेकेंड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑपरेट ओनली व्हेन कंजम्पशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन सैंडविच इज कंज्यूम्ड इन द मॉर्निंग एंड अनदर इन द आफ्टरनून, द सेकेंड सैंडविच में प्रोवाइड इक्वल और हायर सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो केवल तभी ऑपरेट होता है जब कंटिन्यूस प्रोसेस में हम कोई चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं। जैसे सैंडविच हम खाना तो एक ही टाइम पे खाएं, ये नहीं मॉर्निंग में खाया था वो सैंडविच फिर शाम को खाया वो सैंडविच, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो सुबह खाने वाले सैंडविच से शाम की सैंडविच ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाली भी हो सकती है अगर शाम को बारिश आ गई हो तो हमें क्या नियम लागू करना है, हमारी अजम्पशन क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। फिर थर्ड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट बी अप्लाइड विद रिगार्ड टू एजुकेशन नॉलेज बिकॉज एवरी एफर्ट टू गेट एजुकेशन नॉलेज इंक्रीजेज द यूटिलिटी। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है ये एजुकेशन पे, नॉलेज पे, इन सब चीज़ों पे लागू नहीं होती क्योंकि इनका कंजम्पशन हम जितना ज़्यादा करते हैं हमको मिलने वाली यूटिलिटी उतनी ज़्यादा होती जाती है, इनकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए एजुकेशन और नॉलेज पे ये अप्लाइड नहीं होता है। अब जो ये हमने पढ़ा है मार्जिनल DMU, अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके अंदर ये था कि जब हम किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को एक पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ाते जाते हैं तो वो धीरे धीरे उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है वो डिक्लाइन होने लगती है, उस अप्रोच को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और उसी टेबल में हमने रिलेशनशिप भी देख लिया था TU और MU का। अब इसे हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं, जो हमारे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने देखा MU दिया हुआ है, सॉरी एक्स एक्सिस पे यूज़ करने वाली क्वांटिटी दी हुई है, यूनिट्स दी हुई है, और वाई एक्सिस पे हमारी यूटिलिटी दी हुई है, टोटल यूटिलिटी भी है और मार्जिनल यूटिलिटी भी है। TU जो है वो एक लेवल तक बढ़ते बढ़ते P पॉइंट पर जब जाएगा तो TU मैक्सिमम होगा, और MU सेम उसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डलेगा, जो Q पॉइंट है वो MU 0 है।
अगर उसके बाद भी MU इक्वल्स टू जीरो है, अगर उसके बाद भी हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हमारा TU क्या होगा, नेगेटिव होने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस एक ही शेड्यूल और एक ही डायग्राम में हमने MU और TU का रिलेशनशिप और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ा। अब जो ये रिलेशनशिप थे, इसके तीन पॉइंट दिए हुए हैं। व्हेन MU डिक्रीजेस, TU इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एज शोन इन ग्राफ टिल कंजम्पशन लेवल OQ। ये जो OQ आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ तक ही बस बढ़ेगी, यूनिट्स यूज करेंगे तो उसके बाद ये क्या होने लग जाएगी, नेगेटिव होने लग जाएगी। व्हेन MU इज जीरो, TU इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम एट P। और जहाँ पर MU जीरो होगी उसके जस्ट ऊपर TU का जो ग्राफ बनेगा, वहाँ पर मिलने वाला पॉइंट P जो होगा वो हमारा कैसा होगा, हाईएस्ट होगा। व्हेन MU इज नेगेटिव, TU स्टार्ट डिमिनिशिंग। और जैसे जैसे MU एक्स एक्सिस के बाहर आने लग जाएगी, वैसे वैसे जो TU होगी वो हमारी डिमिनिश होने लग जाएगी। जैसे घूंघट जैसे हो रही है ना, नीचे आ गई TU P पॉइंट के बाद, ऐसा ग्राफ हमारा बन जाएगा। अब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है, उसे हम प्राइस के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, या फिर इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, MUX अपॉन MUR इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X। यानी दो कंडीशन है हमारे सामने, और वो दो कंडीशन हमारी क्या क्या है, एक तो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो प्राइस के, गुड्स की प्राइस के बराबर है, या फिर MUX अपॉन MUR है जो प्राइस ऑफ X के बराबर है। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमने पढ़ा था, इसमें दो कमोडिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, एक तो सिंगल कमोडिटी में और एक हम पढ़ेंगे टू और सेवरल कमोडिटी में। यानी जब एक वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, और जब हम एक से ज़्यादा का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। सिंगल कमोडिटी को हम पहले पढ़ेंगे, सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। व्हेन परचेजिंग अ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, अ कंज्यूमर कंपेयर्स इट्स प्राइस विद द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम इट। यूटिलिटी ऑब्टेंड इज द बेनिफिट एंड द प्राइस पेएबल इज द कॉस्ट। द कंज्यूमर कंपेयर्स बेनिफिट एंड द कॉस्ट, ही विल बाय द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ओनली इफ द बेनिफिट इज ग्रेटर देन और एट लीस्ट इक्वल टू द कॉस्ट। फिर सेकेंड है इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वेयर MU ऑफ 1 रुपी रेफर्स टू द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम परचेज ऑफ कमोडिटीज विद 1 रुपी। इन पर्टिकुलर द कंडीशन ए सेज सेज दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस। यानी आपने ऊपर देखा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसे हम अगर वैसे लिखें तो MU इक्वल्स टू प्राइस होगा। इफ MU ग्रेटर देन प्राइस, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है और प्राइस कम है, तो हम क्या करेंगे, एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, और ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। यानी आपकी यूटिलिटी तो ज़्यादा है और प्राइस कम है, इसका मतलब आपके पास पैसे बच रहे हैं, तो आप क्या करोगे, और चीज़ों को खरीदोगे, परचेस करोगे। MU इक्वल्स टू, और तब तक खरीदोगे जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, गुड्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर नहीं हो जाए। अब अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन है प्राइस से, तो आप क्या करोगे, नहीं खरीदोगे, स्टॉप कर दोगे, और तब तक नहीं खरीदोगे जब तक कि वो MU बराबर, और तब तक नहीं खरीदोगे जब तक कि वो MU बराबर ना हो जाए प्राइस के।
तो इस तरीके से एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है वो किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन तब तक ही करता है जब तक कि MU बराबर ना हो जाए प्राइस के। सिंगल कमोडिटी में हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो क्या माना जाता है, MU इक्वल्स टू प्राइस माना जाता है। अब है एज MU राइजेज इट इज बॉन्डेड टू बिकम इक्वल टू प्राइस एट सम पॉइंट ऑफ परचेज सफिशियंट कंडीशन। टोटल गेन फॉल्स एज मोर इज परचेज्ड आफ्टर इक्विलिब्रियम। इट मीन्स द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू परचेज सो लॉन्ग एज टोटल गेन इज इंक्रीजिंग और एट लीस्ट कॉन्स्टेंट। सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन द मार्केट इज ₹3 पर यूनिट। इट मीन्स ही हैज़ टू पे ₹3 पर यूनिट। सपोज द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट इज 5 UTs इक्वल्स टू ₹5। द कंज्यूमर विल बाय दिस यूनिट बिकॉज द यूटिलिटी ऑफ दिस यूनिट इज ग्रेटर देन द प्राइस। वेदर द कंज्यूमर कंज्यूम सेकेंड यूनिट और नॉट डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकेंड यूनिट। सपोज इट इज 4 UTs इक्वल्स टू ₹4, ही विल बाय द सेकेंड यूनिट ऑल्सो। अगेन सपोज द यूटिलिटी ऑफ द थर्ड यूनिट इज 3 UTs इक्वल्स टू ₹3। The price paid is also ₹3. Since the utility equals to price, he will buy the third unit also. Consumer will not buy the fourth unit because utility of this unit is 2 UTs, ₹2, which is less than the price. It is not worth buying the fourth unit. The consumer will restricted his purchase to only 3 unit. क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए किसके, प्राइस के, इसलिए वो फोर्थ यूनिट नहीं खरीदेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा जो आज का टॉपिक था ये सिंगल कमोडिटी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम टुमारो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।